तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर केसीआर आज तेलंगाना पर शासन कर रहे हैं तो ये सोनिया गांधी के कारण है। शनिवार को निजामाबाद जिले के बदौन में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आज अवैध गतिविधियों से कमाया गया सारा पैसा केसीआर के घर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ये लूट बीआरएस के विधायकों, मंत्री और नेताओं के पास भी है। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना बनाया गया था तो उन्हें ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि बीआरएस ने यहाँ के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को नष्ट कर दिया है। तेलंगाना ने जमीन, रेत और शराब माफिया बढ़ गए हैं और सारा पैसा मुख्यमंत्री केसीआर के घर तक पहुंच गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कालेश्वरम परियोजना में भारी लूट हुई है। वहीं महंगाई पर बोलते हुए राहुल गांधी ने एलपीजी गैस सिलेंडर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बीआरएस और भाजपा के शासनकाल में गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए हो गई है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 6 गारंटी की लागू की जाएगी। लड़ाई जो है ये दोराला सरकार और प्रजाला सरकार के बीच में लड़ाई है। आप सबने तेलंगाना का सपना देखा, आपने सोचा था कि तेलंगाना की जनता की सरकार बनेगी, गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सरकार बनेगी और एक परिवार की सरकार उन्होंने बनाई। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में उन्होंने तेलंगाना की जनता से 1,00,000 करोड़ रुपया चोरी किया। स्वयं जाकर अपनी आंखों से देखा, डैम पर जो खंभे लगे हैं उन पर बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं। सरकार का सबसे बड़ा चिन्ह है। अब कांग्रेस पार्टी ने जमीन बांटने का काम किया था, गरीबों को हमने उनका हक, उनकी जमीन दी थी और केसीआर ने धारिणी पोर्टल का बहाना बनाकर, कंप्यूटराइजेशन का बहाना बनाकर तेलंगाना की गरीब जनता से आपकी जमीन चोरी की। लाख लोगों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। जो भी जमीन केसीआर और उनके एमएलए को चाहिए थी उन्होंने धारिणी पोर्टल का प्रयोग करके वो जमीन छीनी। अगर केसीआर की सरकार फिर आएगी तो एक बार फिर वो आपके जमीन छीनने का काम शुरू कर देंगे। केसीआर ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। हैदराबाद जिससे आपने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं, हैदराबाद को दुनिया में मशहूर आईटी सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। जिस